Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your environmental study class and today we will read environmental study looking around volume 2 class 4th, okay? And chapter number 22, okay? Chapter number 22 and the chapter number 22 is The World in My Home. Duniya Mere Ghar Mein, okay? The World in My Home. Duniya Mere Ghar Mein. And students, this is video 1, alright? Video 1 of chapter 22. So, let's start, okay? Tug of war, okay? Tug of war means nok jhok, okay? Tug of war, nok jhok. So, let's read. Once again, everybody in Marita's family is quarreling over watch the TV, just like they do every day. Marita's brother wants to watch a cricket match while little Susan is watch her favorite program of songs. Okay. Mummy and auntie are good friends, but their favorite TV programs are different. Mummy likes to watch the news while auntie enjoys a TV serial. Marita wants to watch cartoons and daddy enjoys the football match. He said that he can watch TV only in the evening. Finally, everyone had to watch the football match. Okay, so tug of war. Tug of war means nok jhok. Okay, so once again, ek bar fir se, everybody in Marita's family is quarreling over watch the TV. ओके तो एक बार फिर से मैरिटा के परिवार में हर कोई टीवी देखने के लिए लड़ रहा है झगड़ रहा है जस्ट लाइक दे डू एवरी डे जैसा कि हर दिन वे करते हैं मैरिटास ब्रदर वांट्स टू वॉच अ क्रिकेट मैच व्हाइल लिटिल सुसान इज ईगर टू वॉच हर फेवरेट प्रोग्राम ऑफ सॉन्ग्स ओके तो जो मैरिटा का भाई है वह क्रिकेट मैच देखना चाहता है जबकि लिटिल सुसान जबकि छोटा सुसान इज ईगर ईगर मीन्स उत्सुक ठीक है वह बहुत उत्सुक है To watch her favorite program of songs, लेकिन वह अपने पसंदीदे गाने का प्रोग्राम देखना चाहता है. Mummy and auntie are good friends, okay? But their favorite TV programs are different. Mummy और auntie वैसे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत गहरे दोस्त हैं, लेकिन उनके पसंदीदा TV प्रोग्राम अलग-अलग हैं. मम्मी लाइक्स टू वॉच द न्यूज़ मम्मी को न्यूज़ देखना पसंद है वाइल जबकि आंटी इंजॉय अ टीवी सीरियल इंजॉय मीन्स मज़े लेती हैं जबकि आंटी टीवी सीरियल को देखने में उन्हें मज़ा आता है मैरिटास वांट टू वॉच कार्टून्स मैरिटा को कार्टून देखना मैरिटा कार्टून देखना चाहती हैं एंड डैडी इंजॉयज द फुटबॉल मैच और लेकिन डैडी को फुटबॉल मैच देखना है इंजॉय द फुटबॉल मैच ओके इंजॉय द फुटबॉल मैच He says that he can watch TV only in the evening. तो मैरिटा के डैडी कहते हैं कि वह केवल शाम को टीवी देख सकते हैं Finally, everyone had to watch the football match. तो आखिरकार सबको फुटबॉल मैच ही देखना पड़ा ओके तो क्या टग ऑफ वॉर मैरिटा के फैमिली में था मैरिटा के घर में टीवी को देखने के लिए बहुत बहस और झगड़े हो रहे थे क्योंकि मैरिटा का जो भाई था वह क्रिकेट मैच देखना चाहता है जबकि छोटी सुसन अपने पसंदीदा गाने के प्रोग्राम को देखना चाहती है ओके मम्मी और आंटी वैसे तो गहरे दोस्त हैं पर उनकी पसंद अलग अलग है ओके मम्मी समाचार देखना चाहती हैं जबकि आंटी एक सीरियल देखना चाहती हैं मींस कि और मैरिटा कार्टून देखना चाहती है और डैडी को फुटबॉल मैच देखना है ओके तो लेकिन लास्ट में डैडी कहते हैं कि वे बस शाम को ही टीवी देख पाते हैं तो आखिर सबको फुटबॉल मैच ही देखना पड़ा ओके स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट पेज Let us talk. चलिए बातें करते हैं ओके हमने मैरिटा के परिवार के बारे में देखा तो अब उससे ही जुड़ी हुई बातें हम भी करते हैं ओके सो स्टूडेंट्स ट्राई टू गिव आंसर ऑल राइट In your home, आपके घर में भी do people quarrel over fans, TV, newspapers, chairs or anything else? ठीक है क्या आपके घर में भी लोग
फैन के ऊपर, ठीक है, फैन के ऊपर, टीवी के ऊपर, अखबार के ऊपर, कुर्सी के ऊपर और या फिर किसी अन्य चीज़ के ऊपर झगड़ते हैं, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स हर घर में, भाई बहनों में स्पेशली बहस तो होती है, कभी फैन को लेकर, कभी कूलर को लेकर, ठीक है, कभी किसी पर्टिकुलर चेयर को लेकर, कभी रिमोट को लेकर, तो झगड़े तो होते ही हैं। ओके, तो आप कह सकते हैं येस पीपल एट माई होम, स्पेशली माई, अगर आपके भाई बहनों में ज़्यादा होता है, स्पेशली माई ब्रदर एंड आई क्वारल, या स्पेशली माई सिस्टर एंड आई क्वारल ओवर टीवी। ओके, तो टीवी के ऊपर बहुत ज़्यादा भाई बहनों में बहुत ज़्यादा बहस और झगड़े होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स आपके किस बारे में अपने भाई बहन या घर में किसी से झगड़े या बहस होता है, आप उसको मेंशन करेंगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू एग्जांपल हाउ यू विल राइट। यू कैन राइट लाइक येस पीपल और पीपल एट माई होम टू डू पीपल क्वारल ओवर फैंस। सो यू विल से येस पीपल एट माई होम स्पेशली माई ब्रदर या स्पेशली माई सिस्टर एंड आई क्वारल ओवर टीवी। ठीक है, अगर फैन के ऊपर होता है कि एक को फैन चलाना होता है और एक को नहीं चलाना होता है, तो आप बोलेंगे स्पेशली माई सिस्टर एंड आई क्वारल ओवर फैन। या न्यूज़पेपर पढ़ने को पहले पढ़ने के लिए होता है, तो आप लिख देंगे ओवर न्यूज़पेपर। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इन योर होम, आपके घर में हु सेटल सच क्वारल्स। ओके, सेटल मीन्स स्टूडेंट सुलझाना, सेटल मीन्स सुलझाना, आपके घर में झगड़ों को कौन सुलझाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब भाई बहन में झगड़ा होता है, तो हमारे झगड़े हम खुद ही सुलझा लेते हैं। ठीक है, और अगर झगड़े बहुत ज़्यादा हो गए, तो तब हमारे पेरेंट्स या मम्मी आके सुलझाती है, अदरवाइज भाई बहन के झगड़े को वे खुद ही सुलझा लेते हैं। ओके, तो मोस्टली तो ऐसा ही होता है ना। सो यू विल से दैट सच क्वारल्स बिटवीन माई सिस्टर या माई ब्रदर एंड मी आर सेटल्ड बाई अवर सेल्फ। ठीक है, तो हम इन झगड़ों को खुद ही सुलझा लेते हैं, क्योंकि मम्मी से कंप्लेन करोगे तो दोनों को मार पड़ेगी, पापा से कंप्लेन करोगे तो दोनों को डांट पड़ेगी, है ना। तो इसलिए ज़्यादातर मोस्टली भाई बहन अपने झगड़ों को खुद ही सुलझाते हैं। ओके, सो अगेन यू विल से दैट सच क्वारल्स बिटवीन माई ब्रदर एंड मी आर सेटल्ड माई सेटल्ड बाई आवर सेल्फ। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट एट होम व्हेन देयर वॉज अ क्वारल ओवर सच थिंग्स। टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट एट होम, आप अपने घर के बाद झगड़ों के बारे में कोई मज़ेदार किस्सा सुनाइए। ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो आपके घर पे कई बार जब झगड़े होते हैं, तो उसमें कोई फनी इंसिडेंट भी हो जाता है उस झगड़े में, है ना, कोई मज़ेदार बात हो जाती है, मज़ेदार किस्सा हो जाता है। तो अगर कोई ऐसा किस्सा मज़ेदार आपके घर में झगड़ा करते समय हुआ या झगड़े के दौरान हुआ, तो आप बताएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मोस्टली हम बता सकते हैं कि क्या होता है कभी कभी, हाँ, जब भाई बहन आपस में झगड़ा करते हैं, तो ओवर मोस्टली टीवी के ऊपर झगड़ा होता है। ठीक है, तो एक इंसिडेंट हम आपके साथ शेयर करते हैं। आप कह सकते हैं माई ब्रो एंड आई वर फाइटिंग ओवर टीवी, आई वॉन्टेड टू वॉच द मूवी एंड माई ब्रो माई ब्रदर वॉन्टेड टू वॉच अ क्रिकेट मैच। After a lot of quarrel, we decided that whenever there will be advertisement in between the movie, we would watch the match scores. तो ये बहुत ही मज़ेदार झगड़ा हुआ। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, जब भाई बहन आपस में लड़ रहे होते हैं, तो बीच में मम्मी आके दोनों के सीरियल, दोनों के क्रिकेट मैच और सॉन्ग्स बंद करके अपना सीरियल लगा लेती हैं, या अपने कोई टीवी प्रोग्राम्स फेवरेट वे देख लेती हैं। तो ये भी बहुत ही फनी इंसिडेंट हो सकता है। ओके, तो ऐसे ही आप भी अपने घर पे होने वाले ऐसे फनी इंसिडेंट को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज वी विल डिस्कस इन अवर क्लासरूम अबाउट अ फनी इंसिडेंट, इंटरेस्टिंग इंसिडेंट एट योर होम। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्लास में आपसे इस इंसिडेंट के बारे में पूछेंगे। ओके, हैव यू एवर सीन पीपल क्वारलिंग ओवर समथिंग एल्सवेयर व्हाट। ओके, हैव यू एवर सीन पीपल क्वारलिंग ओवर समथिंग एल्सवेयर। ओके, तो क्या तुमने कहीं और किस एक ही चीज के लिए लोगों को आपस में झगड़ते हुए देखा है। ओके, व्हाट, किस बात पर। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है, क्या तुमने कहीं और एक ही चीज़ों के लिए लोगों को झगड़ते हुए देखा है।
ठीक है, तो आप कह सकते हैं कई बार लोग एक चीज़ के लिए झगड़ते हैं, जैसे अगर आप अपने आस पड़ोस में देखेंगे तो वे बच्चे कभी कंप्यूटर के लिए झगड़ते हैं, कभी मोबाइल फ़ोन के लिए झगड़ते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी इंसिडेंट बता सकते हैं, आप बता सकते हैं येस आई हैव सीन पीपल क्वारलिंग ओवर लिटिल थिंग्स, फॉर इंस्टेंस आई हैड वन सीन टू ऑफ माई कजन्स फाइटिंग ओवर हु विल यूज़ द लैपटॉप या कंप्यूटर। ओके, तो अक्सर लैपटॉप को लेकर कंप्यूटर को लेकर आस पड़ोस में भाई बहनों में झगड़े होते हैं। ठीक है, कि हम इस लैपटॉप को यूज़ करेंगे या हम इस कंप्यूटर को यूज़ करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाई द डिफरेंस, ठीक है, यह अंतर क्यों, अलग क्यों, तो चलिए पढ़ते हैं। इट इज 7 o'clock इन द इवनिंग, प्रतिभा इज हरिंग होम फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस, हर ब्रदर संदीप एंड संजय आर बिजी प्लेइंग राउंड द कॉर्नर विद देयर फ्रेंड्स, दे आर इन नो हरी टू गो होम, इवन इफ दे आर लेट नो बडी विल स्कॉल्ड दैम। ओके, इट इज 7 o'clock इन द इवनिंग, शाम के 7 बजे हैं। प्रतिभा इज़ हरिंग, हरिंग मीन्स जल्दीबाजी, ठीक है, तो प्रतिभा इज़ हरिंग होम फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस, प्रतिभा अपनी सहेली के घर से भागी भागी अपने घर जा रही है। ठीक है, तो प्रतिभा अपनी सहेली के घर से भागी भागी अपने घर जा रही है, हर ब्रदर संदीप एंड संजय आर बिजी प्लेइंग राउंड द कॉर्नर विद देयर फ्रेंड्स, लेकिन उसका भाई संदीप और संजय दोस्तों के साथ कोने में खेलने में बिजी हैं, व्यस्त हैं। ठीक है, दे आर नो इन नो हरी टू गो होम, उनको घर जाने की कोई जल्दी नहीं है, इवन इफ दे आर लेट नो बडी विल स्कॉल्ड देम, यदि वे लेट भी हो जाते हैं, यदि उनको घर पहुंचने में देर भी हो जाती है तो उनको कोई भी नहीं डांटता। ओके, प्रतिभा थिंक्स दैट दिस इज़ नॉट फेयर, वाई शुड देयर बी वन रूल ऑफ फॉर हर एंड अनदर फॉर हर ब्रदर्स, बट वॉट कैन सी डू। ओके, तो प्रतिभा को यह बात ठीक नहीं लगती, प्रतिभा सोचती है कि यह तो सही नहीं है, वाई शुड देयर बी नो वन रूल फॉर हर, एक के लिए अलग रूल नियम एंड अनदर फॉर हर ब्रदर, और भाई के लिए क्या अलग नियम है। ठीक है, तो बट वट कैन सी डू, लेकिन वह क्या कर सकती है। ओके, सो प्रतिभा थिंक्स दैट दिस इज़ नॉट फेयर, वाई शुड देयर बी वन रूल फॉर हर एंड अनदर फॉर हर ब्रदर्स, बट वट कैन सी डू। ओके, प्रतिभा को यह बात ठीक नहीं लगती, उसके लिए एक नियम और उसके भाई के लिए दूसरा। ओके, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस टॉक, चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। ओके, डज दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन इन योर हाउस और इन एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हाउस, वट डू यू थिंक अबाउट दिस, चलिए बातें करते हैं। डज दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन इन योर हाउस, क्या आपके घर में भी कुछ ऐसा होता है, और इन एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हाउस, या आपके दोस्त के घर में कुछ ऐसा होता है, वट डू यू थिंक अबाउट दिस, आप इसके बारे में क्या सोचते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि आपके घर में या आपके किसी दोस्त के परिवार में कुछ ऐसी बातें होती हैं तो तुम्हें इस बारे में क्या लगता है। तो स्टूडेंट्स ऐसा किसी के घर पे होता है, ठीक है, मोस्टली जो विलेजर्स होते हैं या रूरल पीपल होते हैं या फिर कुछ नैरो माइंडेड के लोग होते हैं, जो कि लड़कियों को तो घर जल्दी आने को बोलते हैं लेकिन लड़कों पर वे ध्यान नहीं देते, उनको लगता है कि लड़के अपने टाइम से किसी भी समय आ सकते हैं। तो अगर आपने अपने किसी फ्रेंड के घर में ऐसा देखा है तो आप कह सकते हैं, या नेबर्स में हम अक्सर देखते हैं। ओके, तो आप कह सकते हैं येस दिस हैपन्स इन वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउस, माई फ्रेंड, जो भी आपकी फ्रेंड है, ओके, माई फ्रेंड नेहा इज सपोज टू गेट बैक होम बाई 6:30 इन द इवनिंग, वाइल हर ब्रदर इज अलाउड टू स्टे आउट टिल 10 o'clock, दिस शॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज वेरी अनफेयर एंड हार्श ऑन गर्ल्स वूमेन। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है, ठीक है, और ये जो बिहेवियर है यह सही नहीं है कि लड़कों के लिए अलग नियम और लड़कियों के लिए अलग नियम, बट हम मोस्टली अपने आसपास ऐसे कुछ केसेस देख ही लेते हैं, ऐसे कुछ फैमिलीज देख लेते हैं जहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ के रूल्स रेगुलेशन में डिफरेंस होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट
There should be different roles for girls and boys, women and men. Do you think that there should be different roles for girls and boys, women and men? क्या लड़का लड़की और आदमी औरत के लिए अलग अलग नियम होने चाहिए? ओके, अब आपको बताना है क्या लड़का लड़की और आदमी औरत के लिए अलग अलग नियम होने चाहिए. तो आई थिंक स्टूडेंट्स, इन एनी केस अनइक्वल रूलर्स विल बी अनजस्ट वन और द अदर जेंडर. सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ बेस्ट टू सेम रूल्स फॉर वन एंड ऑल. ओके, तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन स्टूडेंट्स की सभी लोगों के लिए, गर्ल्स बॉयज के लिए, जेंट्स एंड लेडी के लिए, मैन और वुमेन के लिए एक ही रूल होने चाहिए. बिकॉज क्यों होने चाहिए? क्योंकि इन एनी केस अनइक्वल रूलर्स विल बी एंड अनइक्वल रूल्स विल बी अनजस्ट टू वन और द अदर जेंडर. ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ बेस्ट टू हैव सम रूल्स फॉर वन एंड ऑल. ठीक है, तो सभी के लिए एक से रूल होने चाहिए ताकि सभी लोगों में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वलिटी रहे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, थिंक What about what would happen? Okay, अब आप सोचिए what would happen if girls had to follow rules? Okay, if girls had to follow rules made for boys and boys had to follow rules made for girls. अब आपको बताना है, आपको सोचना है, आप बताइए कि क्या अगर लड़कियों के लिए बनाए गए नियम, if girls had to follow rules made for boys, ठीक है, यदि लड़कियों के लिए बनाए गए नियम लड़कों पर और लड़कों के लिए बनाए गए नियम लड़कियों पर लागू हो तो क्या होगा. ठीक है, तो आप सोचिए कि अगर लड़के और लड़कियों के लिए रूल बदल जाए आपस में तो क्या होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक स्टूडेंट्स, अगर अनइक्वल रूल्स होंगे, ठीक है, तो ये एडजस्ट नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए कि सभी के लिए एक ही रूल्स होने चाहिए. नो, आई थिंक द रूल्स शुड बी सेम फॉर ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स, वुमेन एंड मैन. ओके, और अगर ऐसा होगा तो बहुत ही हौच पौच हो जाएगा. ठीक है, और सारा जो बैलेंस होता है, सो एडजस्टमेंट जो भी होते हैं वे सब बिगड़ जाएंगे. सो आई थिंक द रूल्स शुड बी सेम फॉर ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स, वुमेन एंड मैन. ओके, एंड आई इन एनी केस अनइक्वल रूलर्स विल बी अनजस्ट टू वन एंड द अदर जेंडर. ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ बेस्ट टू हैव सम सेम रूल्स फॉर वन एंड ऑल. ठीक है, अगर ऐसा होगा तो बहुत ही डिसबैलेंस हो जाएगा हमारी दैनिक जीवन में, हमारी लाइफ में. ओके, हर फील्ड में बहुत ही डिसबैलेंस हो जाएगा, इनइक्वलिटी हो जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा और प्रॉपरली कोई भी कार्य नहीं हो पाएंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पिल्लू आंटी. अब हम पढ़ेंगे पिल्लू आंटी के बारे में. ठीक है, वन डे पिल्लू आंटी टुक फाली. ओके, वन डे पिल्लू आंटी टुक फाली एंड नाजू एंड देयर फ्रेंड्स टू द बीच. What a good time they had. They played in sand and water and then went for a ride on the giant whale. After that, they ate bhelpuri and bought balloons. Then everybody enjoyed same icy cold kulfi. When the kulfi seller asked for money, he made a mistake. He charged for 5 kulfis instead of 7. The children thought, hooray, we have saved money. But Pillu aunty paid the money for 7 kulfis to the kulfi seller. Okay, one day Pillu aunty took Fali and Naju and their friends to the beach. Okay, ek din Fali, Naju aur unke dost Pillu aunty ke saath samudra tat par ghoomne gaye. Okay, what a good time they had. ओके, कितना अच्छा समय था उनके पास. दे प्लेड इन सैंड एंड वाटर. वे रेत में और पानी में खेल रहे थे. एंड देन वेंट फॉर अ राइड ऑन द जाइंट व्हील. और उसके बाद एक वे बड़े से झूले में, ठीक है, जाइंट व्हील, बहुत बड़े झूले में झूलने, सवारी करने चले गए. After that, उसके बाद दे एट भेलपुरी एंड बॉट बलून्स. उसके बाद उन्होंने भेलपुरी खाई और बैलून्स लाए.
ओके और बैलून्स क्या खरीदे उन्होंने, खरीदे ठीक है, गुब्बारे भी खरीदे। देन एवरीबडी, उसके बाद प्रत्येक लोग, इंजॉय सम आइसी कोल्ड कुल्फी, उसके बाद सभी लोगों ने ठंडी बर्फीली कुल्फी खाई ठीक है। बाद में सभी ने मज़े से ठंडी ठंडी कुल्फी खाई। व्हेन द कुल्फी सेलर आस्क्ड फॉर मनी ही मेड अ मिस्टेक, लेकिन जब कुल्फी सेलर ने पैसों के लिए, रुपयों के लिए कहा, तो गलती से उसके उसकी मिस्टेक हो गई। ही मेड अ मिस्टेक, ही चार्ज फॉर 5 कुल्फीज इंस्टीड ऑफ 7 ठीक है। उसने 5 या 7 कुल्फीज के बदले में 5 कुल्फीज के ही पैसे लिए ठीक है। तो कुल्फी वाले ने गलती से 7 के बजाय 5 कुल्फी के ही पैसे मांगे। द चिल्ड्रन थॉट, बच्चों ने सोचा, हुर्रे ओके। सो द चिल्ड्रन थॉट, बच्चों ने सोचा, हुर्रे वी हैव सेव्ड मनी, हमारे तो पैसे बच गए ठीक है, क्योंकि कुल्फी वाले ने 7 कुल्फी के बदले 5 ही कुल्फी के पैसे मांगे, तो 2 कुल्फी के पैसे बच्चों के पास एक्स्ट्रा आ गए। बट पिल्लू आंटी पेड द मनी फॉर 7 कुल्फीज टू द कुल्फी सेलर, लेकिन पिल्लू आंटी ने कुल्फी वाले को सही हिसाब समझाया और 7 कुल्फियों के ही पैसे दे दिए ओके। तो ये बात है पिल्लू आंटी और बच्चों की ठीक है। तो क्या हुआ था स्टूडेंट्स, एक दिन पिल्लू आंटी फली नाजू और उनके दोस्तों को लेकर समुद्र तट पर घूमने गई ओके। पानी और रेत में खूब खेलने के बाद बच्चों ने झूले में चक्कर लगाए, भेलपुरी खाई और गुब्बारे भी खरीदे। बाद में सभी बच्चों ने मज़े से ठंडी ठंडी कुल्फी खाई ओके। कुल्फी वाले ने गलती से 7 कुल्फी के बदले 5 कुल्फी के ही पैसे मांगे ओके। तो बच्चों ने सोचा, चलो मज़े आ गए, पैसे बच गए, हुर्रे। पर पिल्लू मामी ने कुल्फी वाले को सही हिसाब समझाया और 7 कुल्फियों के ही पैसे दिए। तो स्टूडेंट्स, द चिल्ड्रन विल ऑलवेज रिमेंबर व्हाट पिल्लू आंटी डिड दैट डे। तो बच्चों को हमेशा यह याद रहेगा ठीक है, कि वे इस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे कि पिल्लू आंटी ने उस दिन क्या किया। तो उस दिन बच्चों ने पिल्लू आंटी से जो बात सीखी, उसे शायद वे हमेशा याद रखेंगे ओके। सो इफ़ यू वर टू राइट अ डिफरेंट एंडिंग फॉर दिस स्टोरी, हाउ विल यू एंड इट ओके स्टूडेंट्स। इफ यू वर टू राइट अ डिफरेंट स्टोरी, तो अगर अपनी कल्पना से, आप अपने इमेजिनेशन से इस कहानी का अगर आपको अंत लिखना हो, एंड लिखना हो, तो आप कैसे कॉपी में उस एंड को लिखेंगे ओके स्टूडेंट्स। सो इफ़ यू वर टू राइट अ डिफरेंट एंडिंग फॉर दिस स्टोरी, तो ये तो हमने पिल्लू आंटी की स्टोरी की एंडिंग देखी, लेकिन अगर आप इससे अलग एंडिंग लिखना चाहते हैं, तो आप कैसे इस एंडिंग को लिखेंगे ओके। सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ आई वर टू राइट अ डिफरेंट एंडिंग फॉर दिस स्टोरी, आई वुड एंड इट लाइक दैट, बट पिल्लू आंटी पेड द मनी फॉर 7 कुल्फीज टू द कुल्फी सेलर। ओवरवेलम्ड विद पिल्लू आंटीज हॉनेस्टी, द कुल्फी सेलर गेव 1 एक्स्ट्रा कुल्फी टू हर। पिल्लू आंटी इंसिस्टेड दैट सी जस्ट डिड व्हाट वाज राइट एंड दस ही डिड नॉट नीड टू रिटर्न एनी फेवर ठीक है। तो ये इससे हम लिखेंगे, क्योंकि हम ऐसा कह सकते हैं कि जब कुल्फी वाले ने देखा कि पिल्लू आंटी ने उनको 7 कुल्फी के पैसे पूरे दे दिए, तो उन्होंने इनाम में खुश होकर, पिल्लू आंटी की ऑनेस्टी से खुश होकर, उनको 1 कुल्फी एक्स्ट्रा दे दी ठीक है। लेकिन पिल्लू आंटी ने उस कुल्फी को नहीं लिया, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने किया वह सही था और उनको किसी इनाम की ज़रूरत नहीं है ओके। तो हम इस स्टोरी को ऐसे लिख सकते, अगेन आई जस्ट वुड लाइक टू टेल यू दिस स्टोरी एंडिंग अकॉर्डिंग टू मी, दैट ओवरवेलम्ड द विथ पिल्लू आंटीज ऑनेस्टी ठीक है, टू सी पिल्लू आंटी ऑनेस्टी, द कुल्फी सेलर गेव 1 एक्स्ट्रा कुल्फी टू हर। पिल्लू आंटी इंसिस्टेड दैट सी जस्ट डिड वट वॉच राइट एंड दस डिड नॉट नीड टू रिटर्न एनी फेवर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, टुडे क्लास इज ओवर, टुमारो आई विल बी बैक विद अदर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर ओके। सो टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, बी सेफ एंड रिवाइज योर वर्क। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।